वाटर एनालिसिस के इस पांचवें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइम सोडा की कैलकुलेशन पर कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कितने अमाउंट लाइम और कितने अमाउंट सोडा की आवश्यकता होती है। तो डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा। लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की बाई कार्बोनेट यानी टेम्पररी हार्डनेस लाइम से दूर होती है, ये हम लोगों ने पिछले टर्न पे पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है तो लाइम से कैल्शियम का बाइकार्बोनेट दूर हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट टेम्पररी हार्डनेस, 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम खर्च होगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे सेपरेट कर लेंगे फिल्टर करके। मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस लाइम से दूर हो सकती है, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट इनका रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इनसॉल्युबल। मगर इस स्टेप में कैल्शियम की एडिशनल परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये कैल्शियम की एडिशनल परमानेंट हार्डनेस हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइम के साथ साथ सोडा भी ऐड करना पड़ेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में बदलेगा। इस तरह से अगर मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस है तो लाइम और सोडा दोनों की रिक्वायरमेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे कंपाउंड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, हालांकि सोडियम और पोटेशियम से हार्डनेस तो नहीं होती है, मगर जब ये आयोनाइज होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, तो ये बाइकार्बोनेट देते हैं। उस बाइकार्बोनेट को रिमूव करना आवश्यक होता है क्योंकि बाइकार्बोनेट एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, इसमें एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है, हाइड्रोजन आयन दे भी सकता है इसलिए एसिडिक है, हाइड्रोजन आयन ले भी सकता है इसलिए बेसिक है, इसलिए बाइकार्बोनेट को रिमूव करना ज़रूरी है। और बाइकार्बोनेट को रिमूव करने में लाइम मदद करता है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। हाँ, इस स्टेप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की OH का एक पार्ट प्रोड्यूस कर देता है। सोडियम एल्यूमिनेट जो कि एक कोएगुलेंट की तरह से यूज़ किया जाता है जो प्रेसिपिटेशन को इजी बनाता है, ये सोडियम एल्यूमिनेट से कोई हार्डनेस नहीं होती है, मगर जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, ड्रिफ्ट करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन गया इसका मतलब ये हुआ कि इसने OH आयन दिया और OH आयन थोड़े से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। जो काम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने OH आयन से करता है वही सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोड्यूस होने की वजह से लाइम की रिक्वायरमेंट घट गई। 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट है, इसलिए जितना अमाउंट सोडियम एल्यूमिनेट का ऐड किया जाता है उसके करस्पॉन्डिंग लाइम की आवश्यकता को माइनस कर दिया जाता है, डिड्यूस कर दिया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट भी कोएगुलेंट की तरह से यूज़ किया जाता है, मगर ये एल्यूमिनियम की परमानेंट हार्डनेस जैसा है, इसलिए जब ये एल्युमिनियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है, बदले में कैल्शियम सल्फेट की परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस होती है, इसलिए कैल्शियम सल्फेट की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम सल्फेट जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। सोडियम सल्फेट से कोई हार्डनेस नहीं होती है सोडियम फेट, क्योंकि सोडियम के किसी भी साल्ट से कोई हार्डनेस नहीं होती। हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम से ही होती है और हैवी मेटल आयन से होती है, तो इसलिए जब एल्युमिनियम सल्फेट हो तो लाइम और सोडा दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एसिड अगर किसी प्रकार का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, H2SO4 हो, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनके बारे में पढ़ा गया था कि लाइम के रोल में लाइम रिमूव्स हाइड्रोजन आयन, तो HCl से रिएक्शन होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर फिर ऐसा ही हुआ, एसिड तो रिमूव हो गया मगर कैल्शियम क्लोराइड एडिशनल प्रोड्यूस हो गया। इस कैल्शियम क्लोराइड को रिमूव करने के लिए ये रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट एडिशनल खर्च होगा।
इसलिए इस स्टेप में लाइम और सोडा दोनों ही चाहिए। HCl को रिमूव करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम चाहिए, उससे प्रोड्यूस होने वाले कैल्शियम क्लोराइड को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट चाहिए, सोडा इसलिए लाइम और सोडा दोनों की आवश्यकता है। फॉर्मूला फॉर लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट, अब हम लोग देखेंगे कि लाइम और सोडा के कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला है। लाइम रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग इज इक्वल टू 74/100। 74 क्या है? 74 इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिकुलर वेट है। 74/100 इंटू मैग्नीशियम आयन, वाटर में जितना मैग्नीशियम आयन होगा पीपीएम ऑफ सी ए सी ओ थ्री के टर्म में सभी को लेना है, ऑल इन टर्म्स ऑफ सी ए सी ओ थ्री इक्वेलेंट, मैग्नीशियम आयन जितना होगा उसका अमाउंट लिख लेंगे। कैल्शियम की टेम्प्रेरी हार्डनेस जितनी भी होगी उसका अमाउंट लिख लेंगे, टू इंटू मैग्नीशियम की टेम्प्रेरी हार्डनेस। टू इंटू मैग्नीशियम की टेम्प्रेरी हार्डनेस देखा गया कि पिछले इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि एक मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए 2 मोल, 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता थी, 1 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ रही थी, पिछले स्लाइड में देखा था हम लोगों ने। मैग्नीशियम की जितनी परमानेंट हार्डनेस होगी वो लाइम से दूर होती है, उसका जो भी अमाउंट पीपीएम में दिया होगा वो नोट कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में डिजॉल्व है उसकी कंसंट्रेशन पता है, वो रिमूव हो जाएगी। HClH2SO4 से पैदा होने वाले हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देगा लाइम, बाइकार्बोनेट जितना होगा उसे रिमूव कर देगा। एल्यूमिनियम सल्फेट की परमानेंट हार्डनेस होगी अगर कोई, उसे रिमूव कर देगा। आयरन की कोई परमानेंट हार्डनेस होगी, आयरन सल्फेट FeSO4 के फॉर्म में तो फेरस सल्फेट के फॉर्म में, उसे रिमूव कर देगा। और देखा गया था कि सोडियम एल्यूमिनेट वाटर से रिएक्शन करके OH आयन प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, इसलिए वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, इसलिए जितना सोडियम एल्यूमिनेट होगा वो इतना अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि वाटर के किसी सैंपल में इनमें से क्या क्या मौजूद है। जो भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट या कार्बन डाइऑक्साइड या एसिड प्रोड्यूस होंगे उनकी पीपीएम ऑफ CaCO3 में वैल्यूज रख करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है उनका वॉल्यूम लीटर में लिख लेंगे। देन अनदर थिंग इज कि जो लाइम यूज कर रहे हैं उसकी प्योरिटी कितनी है, अगर वो 100% प्योर है तो प्योरिटी 100/100 लिखेंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी। मगर 100% प्योरिटी अगर नहीं है और प्योरिटी कम है, 90% प्योरिटी है, इसका मतलब ये हो गया कि 10% एडिशनल अमाउंट उसके अंदर कोई काम का सब्सटेंस नहीं है वो ऐड किया गया हुआ है। ऐसे में क्या वेट के हिसाब से लाइम की आवश्यकता अधिक हो जाएगी, क्योंकि 100% प्योरिटी अगर प्योरिटी ना हो तो इसलिए यहाँ पे 100/प्योरिटी परसेंटेज लिखी है। इस फॉर्मूला से जो भी वैल्यू निकलेगी वो मिलीग्राम में निकलेगी, इस मिलीग्राम वैल्यू को फिर किलोग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है 10^6 से डिवाइड करके। तो इस प्रकार ये फार्मूला याद करने के लिए है, इसके सारे टर्म्स याद करेंगे, जब याद हो जाएगा फार्मूला फिर जब एग्जाम्पल कोई करेंगे तो इनको एक एक करके पुट करेंगे वैल्यूज। सोडा रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग इज इक्वल टू 106/100। 106 इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का मॉलिकुलर वेट होता है, तो 106/100। अब क्या क्या यहाँ पे ऐड करेंगे, सोडा कैन रिमूव कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, अगर कोई कंटेंट कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के टर्म में दिया हो तो उसकी वैल्यू पीपीएम ऑफ CaCO3 में लिख लेंगे। परमानेंट कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन, तो कैल्शियम की और मैग्नीशियम की जो भी परमानेंट हार्डनेस होगी वो सब यहाँ लिखा जाएगा। एसिड HClH2SO4 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये सब प्लस करते चलेंगे। अब यहाँ पर बाइकार्बोनेट लेकर के जो प्लस किया गया था, इस बाइकार्बोनेट के
अमाउंट के हिसाब से उतना सोडियम कार्बोनेट, जो कि बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट पहले से मौजूद है, तो इस कार्बोनेट की जो सोडियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं ये रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट के अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दूर होगा और परमानेंट हार्डनेस एल्यूमिनियम की प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सोडियम कार्बोनेट से ही दूर होती है। फेरस सल्फेट की हार्डनेस जो है वो सोडियम कार्बोनेट से दूर होगी, और यहाँ पर भी सोडियम एल्यूमिनेट को माइनस किया जाएगा जो भी अमाउंट लेते हैं, क्योंकि ये OH आयन प्रोड्यूस करता है। देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन लीटर, पानी की जितनी वैल्यू ली गई है, कितना वाटर डिजॉल्व करना है उस हिसाब से वाटर के अमाउंट से कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अगेन 100/प्योरिटी परसेंटेज, जो भी सोडा ले रहे हैं उसकी प्योरिटी अगर 100% से कम होगी तो अमाउंट ज़्यादा लगेगा, अगर 100% होगी तो एग्जैक्ट अमाउंट लगेगा। ये फार्मूला है, लाइम रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग एंड सोडा रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग। इस फार्मूले का यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे। अब एक फॉर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट क्वांटिटीज ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर कंटेनिंग फॉलोइंग साल्ट इन पीपीएम। 16.4 PPM NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट यूज्ड एज कोएगुलेंट। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसके अंदर लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट यानी उसका अमाउंट कितना खर्च होगा 20 लीटर पानी को सॉफ्ट करने में, उसका डेटा दिया जा रहा है, कैलकुलेट करना है। कैल्शियम आयन 160 PPM, मैग्नीशियम आयन 72 PPM, बाइकार्बोनेट 73.2 PPM, कार्बन डाइऑक्साइड 44 PPM, एल्युमिनियम सल्फेट 34.2 PPM एंड HCl इज 36.5 PPM। NaAlO2 16.4 PPM यूज़ किया गया है, इसे क्वेश्चन में लिखते हैं। तो ये वाटर का स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट, HCl। अब इसके हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि 20,000 लीटर पानी को सॉफ्ट करने के लिए हाउ मच लाइम एंड सोडा इज रिक्वायर्ड। ये जो वैल्यूज दी हुई हैं 160 PPM, 44 PPM, इन सारी वैल्यू को सबसे पहला काम क्या करना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना। इसके लिए पहले भी बताया था एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कन्वर्जन इनटू CaCO3 इक्विवेलेंट, आयन और सॉल्ट, ये आयन होना चाहिए था, आयन और सॉल्ट, अमाउंट प्रेजेंट इन PPM, कन्वर्जन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट PPM। ये बन गया हम लोगों का टेबल एक तरह का। कौन कौन से आयन हैं, कैल्शियम आयन 160 PPM, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 100/40, एंड कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कितना हो जाएगा 160 × 100 × 40 इज इक्वल टू 400 PPM। तो ये सिंपल सा ये इसी तरह से सब करते चले जाएंगे। मैग्नीशियम आयन अमाउंट इज 72 PPM, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 100/24। देखो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन में क्या करते हैं, कैल्शियम आयन का मॉलिकुलर वेट होता है 40, इक्विवेलेंट वेट होगा 40/2 20। वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनाने का तरीका था कि कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट अपॉन आयन या साल्ट का इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम का इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट और आयन या साल्ट का इक्विवेलेंट वेट। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 50, कैल्शियम आयन का होगा 20। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके और इजी बनाया गया है तो 100/40 आ गया। इसी तरह मैग्नीशियम का होगा 2 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 12, 50/12 हो जाएगा ये 100/24। 72 × 100/24 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 PPM। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट 73.2 PPM और बाइकार्बोनेट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इसके पिछले लेक्चर में हमने ये सब लिखाया था, उसको याद करना पड़ेगा, 100/122, 100/122 से मल्टीप्लाई किया, जब 121 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60।
देन कार्बन डाइऑक्साइड 44, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100/44, मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 100 ppm। सोडियम एल्यूमिनेट 16.4, 100/164 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लाई किया 1.64, 16.4 को 10 ppm। एल्यूमिनियम सल्फेट 34.2, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है इसका 100/114, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 34.2 × 100/114 आ जाएगा 30 ppm। इसी तरह से अब HCl 36.5 होता है, अमाउंट है, और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 100/73, तो 36.5 × 100/73 इज इक्वल टू आ जाएगा 50। तो सबसे पहला काम ही करेंगे, जो भी आयन या साल्ट दिए होंगे फिर उसका अमाउंट लिख लिया जाएगा ppm में, फिर इसके बाद उनके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख लिए जाएंगे, फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ppm ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। इन वैल्यूज को ही अब जो फॉर्मूला पीछे पढ़ा गया है उसमें पुट करेंगे। सो लाइम रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग इज इक्वल टू 74/100 × मैग्नीशियम आयन प्लस कैल्शियम टेम्परेरी हार्डनेस प्लस 2 × मैग्नीशियम टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट, FeSO4 माइनस NaLO2 प्लस Al2SO4 थ्राइस। ये पूरा फॉर्मूला है। अब इसमें जो क्वांटिटी वाटर के स्टैंडर्ड में दी होगी या वाटर के सैंपल में दिया होगा उनको पुट करेंगे ppm में, बाकी को जीरो रख देंगे। सो ऑल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो फार्मूला है, इट विल बी इक्वल टू 74/100। हम लोग ने कैलकुलेट किया था तो मैग्नीशियम की आई थी 300, कैल्शियम टेम्परेरी के नाम पर CaHCO3 के नाम पे कोई आयन नहीं दिया था, कोई साल्ट नहीं दिया था, जीरो। मैग्नीशियम टेम्परेरी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जीरो, परमानेंट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कोई साल्ट नहीं था इसलिए जीरो। कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल के कैलकुलेट किया गया था, वो आया था 100। हाइड्रोजन आयन HCl के फॉर्म में था, उसकी वैल्यू पीछे निकाली गई थी 50। बाइकार्बोनेट की वैल्यू आई थी 60। आयरन सल्फेट जीरो। सोडियम एल्यूमिनेट को माइनस करेंगे -10, और एल्युमिनियम सल्फेट की वैल्यू आई थी 30। तो ये सारी वैल्यू उसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद 20,000 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आ गई 530। 74/100 × 5 × 30 × 20,000 दिस विल कम इज इक्वल टू 784400 मिलीग्राम। नाउ इट इज कन्वर्टेड टू किलोग्राम, तो जब 10^6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो है वो 6 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 7.844 किलोग्राम आंसर हो गया। तो इस तरह से लाइम की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर दी गई। अब यहाँ पर एक टर्म जो फॉर्मूले में लिखा गया कि परसेंट प्योरिटी नहीं दी गई, अगर परसेंट प्योरिटी ना दी हो तो उसे 100% प्योर मान लेते हैं, जब 100% प्योर मान लेंगे तो 100/100 = 1, तो वो फैक्टर खत्म हो जाता है। सोडा रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग फॉर्मूला 106/100 कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन, परमानेंट कैल्शियम मैग्नीशियम, यानी उनका कोई साल्ट अगर परमानेंट साल्ट हो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। HClH2SO4 का हाइड्रोजन आयन जो होगा वो वैल्यू पुट कर लेंगे। फेरस सल्फेट अगर होगा तो पुट कर लेंगे वैल्यू, एल्युमिनियम सल्फेट अगर होगा तो उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। बाइकार्बोनेट यहाँ पर माइनस किया जाता है और सोडियम एल्यूमिनेट को भी माइनस कर लेते हैं। देन मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर एंड परसेंट प्योरिटी ऑफ द सोडा। सभी वैल्यूज चूंकि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में लेनी है वो पहले ही कैलकुलेट करके चार्ट बना लिया गया था। सो फॉर्मूला 106/100 400 कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन आई थी 400 ppm ऑफ CaCO3, मैग्नीशियम आयन 300, परमानेंट कैल्शियम मैग्नीशियम का कुछ भी नहीं था इसलिए जीरो,
HCl की वैल्यू थी 50, फेरस सल्फेट था 0, एल्युमिनियम सल्फेट की वैल्यू थी 30, माइनस बाइकार्बोनेट -60, सोडियम एल्युमिनेट 10 -10, इन सबको पुट करके 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 106 अपॉन 100 इंटू 710, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू आती है 710, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली गई 1505200 मिलीग्राम, तो ये किलोग्राम हो जाएगा 15.052 किलोग्राम। देयरफॉर टोटल लाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 7.844 किलोग्राम एंड टोटल सोडा रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 15.052 किलोग्राम। तो ये मेथड है जिससे से लाइम और सोडा का कैलकुलेशन किया जाता है। उम्मीद है कि इस कैलकुलेशन को आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।